बालाघाट जिले में 4,35,00,000 की लागत से बनने वाले सहकारिता भवन का शिलान्यास समारोह कृषि मंत्री गौरीशंकर बिजेन की वजह से चर्चा का विषय बन गया। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री शरद जैन के अलावा भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मंच पर प्रभारी मंत्री शरद जैन और जिले भर से आए सहकारिता क्षेत्र के तमाम भाजपा नेता उस वक्त बहुचक्के रह गए जब कृषि मंत्री गौरीशंकर बिजेन ने अचानक आकर शिलालेख का लोकार्पण आनंद फानंद में कर दिया। इसके बाद तमाम नेताओं ने औपचारिकता दिखाते हुए शिलान्यास किया। साथ ही मंच में अपने संबोधन के दौरान मंत्रियों ने प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के विकास योजनाओं की जमकर तारीफ की। ने कहा है और प्रधानमंत्री जी ने कहा, हिंदुस्तान में जितना जैविक अनाज पैदा होता है उसका 40% हिस्सा सिर्फ मध्य प्रदेश में पैदा होता है। मित्रों याद करिए, लाल बहादुर जी शास्त्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, जब युद्ध हो रहा था, अनाज की कमी थी, एक टाइम का उपवास करो। तब आबादी हमारी 40 करोड़ थी, 40 करोड़ की आबादी, 17.5% आबादी का भार हिंदुस्तान के ऊपर है। दुनिया की आबादी में 17.5% जनसंख्या भारत में है और जोत सीमा हमारे पास में दुनिया का 4%। 4% जो 17.5% आबादी और 40 करोड़ की जो आबादी थी, बढ़ के हो गई 127 करोड़। तब एक टाइम उपवास की बात होती थी, 2003 में लाल गेहूं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से मंगा के खिलाया जाता था। अब मैं कहना चाहता हूँ, सवेरे भी नाश्ता करो, दोपहर में भी भोजन करो और रात में भी भरपेट भोजन करो और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलो, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद बोलो। वंदे बिना साकार, बिना साकार। बालाघाट से BNN टाइम्स की रिपोर्ट।